एक देश एक चुनाव, आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में जरूर बताएं। 32 पार्टियों का सपोर्ट, 15 का विरोध और एक देश एक चुनाव पर जाने किस दल का क्या रहा रुख। वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना तलाशने के लिए मोदी सरकार ने कोविंद कमेटी का गठन किया था। आज मोदी कैबिनेट ने उस कमेटी के प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। अब मुमकिन है कि शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर संसद में बिल लाया जाए और अगर बिल पास होता है तो 2029 से पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। कोविंद कमेटी के प्रस्तावों के मुताबिक पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे और फिर दूसरा फेज 100 दिनों के भीतर होगा जिसमें स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पूरे देश में एक चुनाव हो सकता है? अगर हाँ तो कैसे? प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किला से अपने पहले संबोधन में जो वादा किया था उसे पूरा करने की तैयारी कर ली है। देश में सभी चुनाव एक साथ कराए जाने का रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि एक देश एक चुनाव नहीं चलने वाला है।